हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला का टॉक विद नीर और मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशनल वीडियोज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको प्रोवाइड कराता रहता है। बेसिकली जो लोग भी चैनल को पसंद करते हैं वो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लें और उस घंटे को दबा दें और इस वीडियो को भी आप लाइक लास्ट में कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तब, क्योंकि आपको सबसे जरूरी चीज़ है कि आप समझो कि मैं उस पॉइंट्स को कैसे डिलीवर कर रहा हूं और वो बात सच में रिलेवेंट है, वो इंपॉर्टेंट है और नॉट। ठीक है, देखिए, हम स्टूडेंट्स मींस हमारी जो एक कम्युनिटी है वो सफर कर रही है अपने एजुकेशन को लेके और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम लोग क्या करेंगे। मींस हमारी स्टडी की प्लानिंग पूरी फेल हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों जो यूनिवर्सिटी में है उनका यूनिवर्सिटी ऑफ चल रहा है, वो अपनी स्टडी कैसे करें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो अपनी स्टडी कैसे करें, और जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपनी स्टडी करें। ठीक है, सभी लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सजेस्ट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी सजेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सजेस्ट किया, और हमारी क्लासेज इवन हमारी यूनिवर्सिटी भी सजेस्ट कर रही है, हमारी कोचिंग क्लासेस सजेस्ट कर रही है कैसे पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, मैं मानता हूं कि हर किसी के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए इक्विपमेंट होता है, गैजेट्स होता है, लेकिन फिर भी क्या हर किसी के पास होते हैं? भाई हमारे यहाँ 60% से ज्यादा लोग रूरल एरिया में रहते हैं। वैसे में मेरे पास कुछ कॉल्स आए थे, मैं बताता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ। एक अच्छी का मतलब ये है कि आपको पता चलेगा इस रियल स्टोरी से कि रियल में प्रॉब्लम्स है या नहीं है। मेरे पास एक कॉल आया और वो बोले कि सर, मैं आपके वीडियोज हमेशा नहीं देख पाता, अक्सर हफ्ते में 2 या 3 दिन बाद शाम को मुझे मोबाइल मिल जाती है, जब पापा घर पे होते हैं तब मैं आपके वीडियोज खोल के और आपके जो भी मेरा एंट्रेंस प्रिपरेशन होता है तब मैं आपके पूरे हफ्ते भर की वीडियो देख लेते हैं। इट मीन्स क्या बात निकल के आती है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, बहुत जगहों पे प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो एक मुद्दा हो गया। ठीक है, आप इसको पेंडिंग रखो, जो मैंने बात की एक मुद्दा हो। दूसरा मुद्दा ये है, स्कूलिंग कब खुलेगी, स्कूलिंग कब स्टार्ट होगा, यूनिवर्सिटी कब ओपन होगा, कॉलेजेस कब ओपन होगा, हम कब फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू करेंगे, हमारी पढ़ाई कब से फिर से ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के सामने स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक रिसेंट न्यूज अभी वायरल हुआ है, बहुत सारे न्यूज चैनल पे देखा होगा, बीबीसी पे देखा होगा, लंदन टॉप पे देखा होगा, आज तक पे देखा होगा, उन लोग बता रहे हैं कि ब्रिटेन और अदर कंट्रीज में यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल 1 डे के लिए ओपन किया गया था, 700 कहीं पे 400 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। मीन्स जबकि वहां के स्कूलों में मैंने देखा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही थी और जो उनकी डेस्क थी वहां पे डिवाइडर लगाए गए थे ग्लास के, मतलब एक स्टूडेंट के बीच में एक डिवाइडर, दूसरे स्टूडेंट के बीच में दूसरा डिवाइडर। मीन्स एक स्टूडेंट अपने एक केबिन में पैक होकर स्टडी कर रहा था, उसके बाद वहां पे स्कूलिंग को फिर से बंद करना पड़ा, एक दिन में 500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इट मीन्स व्हाट कि क्या ये सही टाइम है कि गवर्नमेंट जुलाई में ओपन कर दे, अगस्त में ओपन कर दे? मेरे हिसाब से नॉट पॉसिबल। आप बताओ कि क्या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम करा सकती है? मेरे हिसाब से अगर करा भी ले तो क्या आप अपने घर से पूछो कि क्या गार्जियन आपको सजेस्ट करेगा कि आप जाके पेपर दे के आओ? बाई द वे जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप निकलोगे बाहर, जरूर जाओगे, लेकिन जो इस समय का स्थिति है वो बहुत ज्यादा हजार्डियस है, बहुत डेंजरस है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट अभी इस पे कुछ एक्शन ले पाएगी, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री का खुद का कहना, कल बीबीसी पे उनका इंटरव्यू मैंने देखा, खुद का उनका कहना था कि वो अगस्त के पहले स्कूल ओपन नहीं कर पाएंगे, 15 अगस्त के पहले वो स्कूल ओपन कर ही नहीं पाएंगे, उनका सीधा सा कहना है। उनका सीधा सा एक ही बस फोकस है कि वो 21 पेपर सीबीएसई का भी नहीं करा पाए हैं, लगभग 79 समथिंग बता रहे थे वो पेपर करा चुके हैं, उनका 21 पेपर अभी सीबीएसई के बोर्ड का पेंडिंग है, उसको कराने की कोशिश में है, दूसरा आईआईटी को फोर्स कर रहे हैं और तीसरा वो मेडिकल को फोकस कर रहा है। तो ये 3-4 चीजों को बेसिकली फोकस कर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को लेके कोई भी बात नहीं बोली है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को अभी इस दौरान इस दरमियान अप्रूवल देगा कि आप जाके पेपर करा लो, क्योंकि ऐसे में कंडीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अब भाई गवर्नमेंट जाने कि वो क्या करने वाली है और पेपर आपको देना है, आप बेसिकली समझो कि आपको पेपर देना है या क्या, भाई पेपर तो देना ही है, लेकिन मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखा हूं कि क्या अदर कंट्रीज के जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं, जो इफेक्ट देखने को मिला है, क्या उसको देखने के बाद गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेगी क्या कि पेपर जुलाई में करा दो, जून में करा दो, चलो भाई मिड जून में करा के खाली हो जाते हैं, मिड जुलाई में करके? ऐसा नहीं हो सकता है।
मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो स्थिति उससे भी बदतर हो जाएगी, बहुत लोग एडमिशन से पहले ही बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स रहा। और एक और लास्ट मुद्दा भी मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुद्दा ये है, केरला में एक गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया, ये अभी कल परसों का ही न्यूज है। उसने जब बात पता चली, जांच में निकल के आया कि उन्होंने सुसाइड किया अपने ऑनलाइन स्टडी को लेकर। उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, उनके पास गैजेट्स नहीं था, जैसे इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, इस समय मेरी भी कॉलेज में क्लासेस चलती हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बीएचयू में हूँ, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। कैसे चलती हैं? शुरू में उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ पीडीएफ सेंड करके पढ़ाना शुरू किया था। ये न्यू एरा है ऑनलाइन स्टडी का कि व्हाट्सएप पे भी स्टडी होती है। बाय द वे, अच्छा है यूज ऑफ व्हाट्सएप, जितना कर लो। इवन एचआरडी मिनिस्ट्री ने यही बोला कि हम जितना कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, बस उतना ही। तो वही बात है कि बीएचयू भी वैसा ही कुछ कर रहा था, क्योंकि पहले से तो अवेयर नहीं थे ना, पहले से इन्होंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो क्रिएट नहीं किया था ना, किसी को नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा और ऐसी चीजें पूरी बिगड़ जाएंगी। तो उस लड़की ने सुसाइड किया, रीजन निकल के आया कि ऑनलाइन स्टडी उनको नहीं मिल पा रही थी, उनके पास नेट प्रॉब्लम, मोबाइल प्रॉब्लम या ऑनलाइन प्रॉब्लम थी। ऐसी प्रॉब्लम आपके पास भी हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम मेरे पास भी हो सकती है, लेकिन सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपके घरों में जो भी किताबें हैं आप उसको पढ़ो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि आपके पास जो भी ओल्ड किताबें हैं उसमें अपने आप को उलझा के रखो, पढ़ो। मेरे से कोई हेल्प हो सको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे से बताना, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन परेशान मत होइए। मेरी खुद की क्लासेस चलती हैं और मैं बता दूं कि मैं अपने क्लासेज में उतना पंचुअलिटी नहीं रखता, जबकि मेरे पास इक्विपमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन स्टडी भी उतना सफिशियंट नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि पड़ोसन को देख के आप एकदम डर जाओ और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और पैनिक हो जाओ, अरे यार वो तो पढ़ रहा है और हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, अरे यार उसके पास तो बड़ा सा मोबाइल है और उसमें ऑनलाइन स्टडी के या पासवर्ड आईडी डाल के वो पढ़ाई कर रहा हमने। भाई परेशान मत हो, सब परेशान है, ऐसा नहीं है कि उनके पास है, ठीक है उनको निकलने दो। भाई हम बता देना, ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पूरा देश बराबरी में खड़ा हो चुका है, यहाँ पे हर एक लड़का बराबर में है, चाहे वो कोटा का हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो हिसार का हो, चाहे वो पटना का हो, चाहे वो बनारस का हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि हर एक लड़का की कोचिंग ऑफ ही है और वो हर एक लड़का अपने घर में अपने गार्जियंस के अंडर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वो बात अलग है कि किसी को थोड़ा स्टडी मटेरियल ज्यादा मिला हुआ, किसी को नहीं मिला हुआ, लेकिन कोशिश करो कि आपको भी कहीं से मिल जाए, आप लेके हार्ड कॉपी में पढ़ो, आपके पास जो बुक्स है आप उसी को लेके पढ़ो, लेकिन कुछ भी ऐसे एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है और वरीड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी बातें मैं करता रहूँगा, कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट्स करके बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, और टॉपिक्स बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी स्माइल, बी मोटिवेटेड। आप जरूर प्रॉब्लम शेयर कीजिए अपने घर वालों से, अपनी प्रॉब्लम्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।